हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो जो मैंने अपना गेमिंग पीसी है उसको बिल्ड कर लिया है। अब मैं गाइस आज के दिन आप लोगों को यही बताऊंगा कि मैंने जो इस पीसी को कितने का बाय किया है और कहां से बाय किया है। तो गाइस मैं आप लोगों को ये तो बता दे रहा हूं कि मैंने जो है इस वाले पीसी को नेहरू प्लेस से बाय किया है और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को वहीं से मैंने बिल्ड करवाया था। तो वहाँ की मैंने कोई क्लिप तो रिकॉर्ड नहीं करी है, लेकिन गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो पीसी है गाइस इसके अंदर कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे देख लो कि मैं आप लोग को यहाँ पे ग्राफिक कार्ड दिखा देता हूँ कि यहाँ देख सकते हो ग्राफिक कार्ड वाला स्लॉट एकदम खाली है, इसके अंदर कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है। लेकिन गाइस इसके अंदर जो मैक्सिमम गेम्स है वो एकदम इजीली चल जाते हैं नॉर्मल सेटिंग पे, मतलब हाई सेटिंग पे खेलने के लिए तो आप लोग को ग्राफिक कार्ड चाहिए ही है। लेकिन गाइस आप लोग इस वाले पीसी के अंदर मतलब GTA 5 आराम से गाइस 50-60 FPS आराम से दे देता है। मैं आप लोग को लास्ट में इसका थोड़ा सा बेंचमार्क भी दिखा दूंगा। और यहाँ पर देखो मैंने पीसी की स्क्रीन ऑन कर रखी थी, मैं इसे टच नहीं कर रहा था तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था, लेकिन ये मैंने वापस ऑन कर दिया। तो गाइस मैं आप लोग को इसमें थोड़े बहुत इसके स्पेक्स बता देता हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या यूज़ किया है। तो गाइस अब यहाँ पर आप लोग देख लो जो जो चीज़ें मैंने इसके अंदर यूज़ कर रखी है वो इन्हीं बॉक्सेस के अंदर है। तो गाइस अब यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने पावर सप्लाई यूज़ करी है 500 वॉट की। बाकी अभी देखा जाए तो इसके अंदर देखो मैंने सबके सब बॉक्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो ये है हमारा राइजन 3 3200G। गाइस इसके अंदर ना मतलब आप लोग को 2 GB RAM मतलब 2 GB की VRAM देखने को मिल जाती है और अच्छी खासी गेमिंग भी हो जाती है इसके अंदर। तो भाई GTA 5 के अंदर मैं आप लोग को थोड़े बहुत इसके FPS गेम्स के लास्ट में आप लोग को दिखा दूंगा, फिलहाल तो इसको हम रखते हैं साइड। और गाइस इसके अंदर हमने को ने 256 GB की SSD को यूज़ किया है। तो यहाँ पर देख लो 256 GB मतलब इनफ है भाई फिलहाल के लिए तो। और बाकी इसके अंदर हमने एक हार्ड ड्राइव भी लगाई है, उसका कोई बॉक्स वॉक्स दिया नहीं था बंदे ने तो हमने उसको छोड़ दिया। और बाकी वही यहाँ पे अपनी XPG की एक रैम लगाई है 2 2 8 8 GB की। तो यहाँ पर देख लो भाई 16 GB की रैम हो गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो A320 का मतलब हमने एक मदरबोर्ड, एक बेसिक से मदरबोर्ड लगाया है क्योंकि उसके पास भाई अच्छा वाला मदरबोर्ड था ही नहीं B450, या फिर उसने कहा कि यही वाला ले लो, इन फ्यूचर आप इसमें अपग्रेड भी कर सकते हो, तो मैंने इसलिए इसको यही ले लिया। और रही बात अब हमारे माउस कीबोर्ड के बारे में, मैंने आप लोगों को बता दिया उसका जो बॉक्स है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और अब मैं गाइस आप लोगों को थोड़ा सा इस मॉनिटर के बारे में बता देता हूँ। ये जो मॉनिटर है गाइस 24 इंच का है, इसकी जो कंपनी है भाई वो LG है और जो इसका रिफ्रेश रेट है वो 735 Hz का है। और ये गाइस मेरे को लगभग 10,000 का पड़ा था ऑफलाइन मार्केट, और वैसे ये ऑनलाइन आप लोगों को 11,000 से 12,000 रुपये का मिलेगा, तो मतलब ऑफलाइन में आप लोग का ज़्यादा प्रॉफिट है। और गाइस अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैंने अपने भी नॉर्मल से पीसी के अंदर भी क्या क्या इंस्टॉल कर रखा है। वैसे यहाँ पर आप लोग देख लो, तो यहाँ पर देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने सबसे पहले तो एक फिल्मोरा एडिटिंग के लिए डाउनलोड कर रखा है और 4-5 गेम्स है जैसे GTA 5, वैलोरेंट, CS:GO और गाइस 2-4 गेम और हैं। तो गाइस मैंने छोटे बहुत गेम्स को डाउनलोड कर लिया था कि यहाँ पर मैं इसका थोड़ा टेस्ट ले सकूँ। तो यहाँ पर जो मैंने देखा तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को ये हर एक गेम को नॉर्मल सेटिंग पे एकदम आराम से 60 FPS तो दे ही देगा, मतलब 60 नहीं लेकिन 50-60 तो दे ही देगा। और गाइस मैं आप लोगों को लास्ट में GTA 5 के थोड़े बहुत बेंचमार्क भी दिखा दूंगा। गाइस मैं अब आप लोगों को इसकी टोटल प्राइसिंग बता देता हूँ। ये जो मेरे को पूरा का पूरा पीसी है तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 40K का पड़ा है टोटल, इंक्लूडिंग ये छोटे छोटे से ये दौड़े ये भी मतलब टोटल चीजें मेरे को 40K के अंदर हो गया था। अब मैं आप लोग को देखो मैंने आप लोग को सारे स्पेक्स बता दिए हैं, आप लोग भी चाहो तो ले सकते हो। और जो गाइस ये जो मॉनिटर है भाई LG का है, अच्छी कंपनी का लिया था, तो गाइस इसे भी देख सकते हो इतनी अच्छी अच्छी कंपनी को लेके भी गाइस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40K के अंदर हमने इस पीसी को बिल्ड किया है। अगर इन फ्यूचर अगर हम 15,000 से 20,000 का ग्राफिक कार्ड लगाते हैं इसके अंदर तो ये 60K का हो जाएगा और जो इसकी परफॉर्मेंस है भाई वो कई हद तक बूस्ट हो जाएगी। तो आप लोग भी तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ लो कि जो हमारा पीसी है मतलब मैक्सिमम गेम्स को चला देता है। मैं आप लोगों को इस पीसी के थोड़े बहुत बेंचमार्क्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमारा GTA 5 है मैंने उसके बेंचमार्क्स को ऑन कर लिया है। और गाइस मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ कि ये जो मैंने 1080p नॉर्मल सेटिंग पे रख रखा है मतलब आप लोग को ग्राफिक भी डिसेंट से देखने को मिल जाते हैं और आप लोग को क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं होगी। और गाइस मैं आप लोग को बता दूँ एक APU के ऊपर गेम चल रहा है, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो इतना अच्छा खासा मतलब आप लोग को कोई ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ रही, बस यहाँ पे आप लोग को 16 GB रैम तो चाहिए। कहीं आप लोग भी अगर सेम पीसी को बिल्ड करते हो तो गाइस आप लोगों को इसके लिए 16 GB रैम तो भाई लगनी ही लगनी है, इसलिए गाइस मैं आप लोग को यही कहूँगा 16 GB रैम आप लोग भी लगाना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 50-60 FPS आप लोगों को मिलने ही मिलने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कभी कभी ऐसा होगा कि 60 FPS प्लस चला जाता है। और गाइस मैं आप लोग को ये भी बता दूँ ना कि कब बाई चांस ऐसा होगा कि आप लोग को 40-30 FPS पे आप लोग का आ जाता है कभी कभी, लेकिन गाइस यहाँ पर मैक्सिमम टाइम 50-60 FPS के बीच में ही रहता है जो हमारा FPS है। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं भी आप लोग को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।